हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में। और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ। इससे पहले मैंने आपको आठवां जो टॉपिक कराया था, आठवां जो लेक्चर था इस सीरीज़ का, आठवां लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए, 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं टोटल पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, और आज अब इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो कि था आपका 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच में। ये नरमपंथी और उदारवादी चरण में जो भी चीज़ें घटनाएं हुई, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई इतिहास में, वो देखेंगे हम लोग। तो टोटल 71 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में, एक ही वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो, फिजिक्स बायोलॉजी इस बुक का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, या फिर आप सीधा चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है वो है कि जो कि सभी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज, डैम्स, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार विजिट करिए वहाँ पर और देखिए उन सभी चीज़ों को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ये कोर्स कैसा लग रहा है, और इस बुक में मैंने जो भी अभी तक के कोर्सेज़ कराए हैं वो आपको कैसे लगे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए। और शेयर, जैसा कि मैंने कहा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना जो टॉपिक है कि नरमपंथी और उदारवादी चरण। इसमें देखेंगे हम लोग ये चरण कब से कब तक था, 1885 से 1905 के बीच में। आइए देखते हैं इस सीरीज़ का 9th लेक्चर। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि 1885 से और 1905 ईस्वी के बीच के काल को नरमवादी या फिर उदारवादी चरण कहा जाता है। तो वही है आपका पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 19 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है उदारवादी चरण, है ना, उदारवादी चरण कहा जाता है, मैंने बताया अभी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसके पहले अध्यक्ष कब कौन थे, किसने ज़्यादातर ज़्यादा बार अध्यक्षता की है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं सब देखेंगे इस पूरे लेक्चर में। ठीक, तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस कारण ये प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आधुनिक भारतीय इतिहास में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यह विद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यही हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, जो स्पेशल सीरीज है उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वो बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इनके कौन कौन से अधिवेशन हुए, उसमें जितने भी इनके अधिवेशन हैं मैं उसमें सारे पूरे कंप्लीट करने की, कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। 1885 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो इनमें से जो था वो था संवैधानिक आंदोलन। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन करना, मतलब उदारता पूर्वक, है ना, अपनी मांगों को मनवाना। अगला है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? पहली बैठक किस शहर में हुई? अगर पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और पूछा जाए अगर कि पहली बैठक किस शहर में हुई, तो बम्बई शहर में जो है वो पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महान वृद्ध व्यक्ति
किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी सी ऑप्शन को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ये कांग्रेसी नेता थे। आगे है 7th क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, यानी कि 1885 में कौन सा गवर्नर जनरल था, इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें है लॉर्ड डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? भारतीय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? ये पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ICS में चुने गए पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे भारतीय थे जो भारतीय सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में चुने गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं एनल ऑक्टोवियन ह्यूम, है ना, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला है 12th क्वेश्चन, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी ऐसे भारतीय थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ऐसे भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें दी हैं, दो बातें, तीन बातें लिखी हैं, इनमें से कौन सी सही है आपको ये बताना है। तो देखेंगे, पहला है क्वेश्चन नंबर 13 में, पहला है आपका, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला ऑप्शन है आपका, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक ही थी, ठीक है, नामक पुस्तक की रचना किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, नहीं, इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना नहीं की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और जो आपका सही है वो ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने बुक लिखी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। जो प्रथम अधिवेशन था वो लगभग आखिरी समय में पूना से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए, क्योंकि पूना में उस टाइम जो है वो हैजा फैला हुआ था, इस कारण इन्होंने बम्बई स्थानांतरित कर दिया, यानी कि शिफ्ट कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये किस कौन था, ये थे इसमें से ऑप्शन, देखिए क्या है, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, सही, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, तो ये भी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त तो सभी जो है ये राइट आंसर है, यानी कि उपयुक्त तो सभी ने 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में सहायता मिली, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था?
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो देखेंगे इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं था। जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपका बी राइट आंसर है, जो कि है 1870 और 80 का द्वितीय अंगल अफगान युद्ध, है ना। 1870 और 80 का द्वितीय अंगल अफगान युद्ध यहाँ पर सही कारण नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कौन थे? ये थे लिटन, है ना। इन्होंने भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका 1878 में, 1878 ईस्वी में, है ना, 1878 ईस्वी में लागू हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इल्बर्ट बिल विवाद, कई काफी सुना होगा आप लोगों ने, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के कार्यकाल में उभरा था, रिपन के कार्यकाल में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से किसने करी, है ना। जो भी ऑप्शन है तो इनमें से इनमें से जो भी ऑप्शन है इनमें से दादा भाई नौरोजी ने, मैंने आपको बताया था 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 23 क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता। तो आपको पता है कि इनमें से जो है वो दादा भाई नौरोजी नरम दल के हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के थे, एम जी राणा ने भी नरम दल के हैं, और बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का नहीं माना जाता, इन्हें गरम दल के नेता के तौर पर जाना जाता है ना। आगे बढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन था आपका 23 में ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। आगे है 24 क्वेश्चन, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? मैंने बताया आपको कि 1885 वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? निम्न में से कौन नरम पंथी में नहीं थे? ठीक, नरम पंथी में नहीं थे, यानी कि मैंने अभी बताया कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक कौन थे? असैनिक सेवक थे, है ना, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे, है ना। जो शहरी क्षेत्रों से आते थे वो सभी नेता जो थे वो नरमपंथी नेता थे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर मतलब पहले कौन बना फिर कौन बना, है ना। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो जो इसमें से सबसे पहले बना था वो आपका बना था बॉम्बे एसोसिएशन, है ना, बॉम्बे एसोसिएशन, और उसके बाद बना है आपका इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, पहले बॉम्बे एसोसिएशन फिर इंडियन एसोसिएशन। तो यानी कि 1 और 3, 1 3, 1 3, 1 3, 1 3, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है आपका, राइट ऑप्शन यही है ऑप्शन सी, 1 3 4 2, है ना, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास लीग, सॉरी इंडियन लीग, और फिर मद्रास महाजन सभा,
है ना, इंडियन लीग और फिर मद्रास महाजन सभा, ये इसका सही क्रम है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये थे बहरुद्दीन तैयब जी। बहरुद्दीन तैयब जी जो है ये प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहली बार किसने लड़ा था, ये आपको पता है? मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी मैंने बताया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है ना। तो इस तरह की बात किसने कही होगी, जाहिर सी बात है कि किसी जो अंग्रेज जो थे यहाँ पर, उनके जो अंग्रेज जो थे उन्होंने कहा होगा। तो इनमें से लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था, लॉर्ड कर्जन ने ऐसे कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, मैंने बताया आपको, अधिवेशन की एक मैं अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक एक मैं करा दूंगा, पूरा इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है उसमें मैं आपको करा दूंगा, उसमें सारे अधिवेशन, सबके अध्यक्ष कहाँ पर हुए सब कुछ मिल जाएगा, किस सन में हुआ सब कुछ मिलेगा। ठीक, बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। तो बस देखिए 33 का क्या है, 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन था इसमें से? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, है ना, डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1837 ईस्वी में, है ना, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी जमींदारों के कल्याण के लिए, है ना, इस सोसाइटी की स्थापना हुई 1837 में और ये जमींदारों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ये इन्होंने की थी लंदन में, है ना, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन देखते हैं क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कह रहे हैं ये कि कलकत्ता में हुआ था, तो बिल्कुल ही गलत बात है, कलकत्ता में नहीं हुआ था, आपको बताया मैंने मुंबई में हुआ था, है ना, पूना से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये बिल्कुल सही है। अगला है सी तीसरा ऑप्शन आपका,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 1916 में इनकी मीटिंग हुई दोनों की और लखनऊ समझौता नाम का समझौता था वो, और वो संपन्न हुआ था। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि 2 एंड और 3, है ना, सेकेंड और थर्ड जो है वो राइट है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करी और ब्रिटिश संसद में बोला कि भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये किसने की थी? तो ये किया था आपके द डक्कन एसोसिएशन ने, है ना, द डक्कन एसोसिएशन ने ऐसा किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लैंड होल्डर सोसाइटी, मैंने बताया था अभी आपको ऊपर कि 36 क्वेश्चन में कि लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1837 में, और ये बनाई गई थी जमींदारों के कल्याण के लिए, है ना। तो पूछा जा रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। इसमें आपको सूचियां दी हुई हैं दोनों तरफ, एक तरफ है संस्था, दूसरी तरफ है उसका स्थापना ईयर, किस उस संस्था की स्थापना कब हुई। तो देखेंगे इसमें इंडियन एसोसिएशन जो कि आपका डी है, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1876 में, 1876 में, ठीक है। आगे है आपका, अगला है आपका क्या, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1876 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1876 में। अगला है आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में, 1852 में हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में। तो यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें कि 1 2 3 4 है डायरेक्ट सामने सामने, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876 और इंडियन एसोसिएशन 1876। इन चीज़ों को याद रखना है पर्टिकुलर, अलग अलग भी, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, मिलाना है आपको, बताना है कि मद्रास महाजन सभा कब बनी। तो आपको पता है कि मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में इसका गठन हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपकी 1885 में। 84 में मद्रास महाजन सभा, 85 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और 76 में इंडियन एसोसिएशन, 76 में इंडियन एसोसिएशन, है ना। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है 1885 में। बस इतना सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। कह रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इनमें से कौन सी थी? ये थी आपकी इंडियन एसोसिएशन, है ना। कांग्रेस के जन्म से पहले किसका उदय हो गया था? इंडियन एसोसिएशन का, है ना। आगे बढ़ेंगे, जो कि क्या कह रहा है, जन राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी, जो कि कांग्रेस से गठन से पहले बन गई थी 1876 में ही,
ये पूछा जाता है कई बार कांग्रेस का, तो सभी को लोगों को पता होता है 1885, 1885 है ना, लेकिन इंडियन एसोसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे 1876 में बना, याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ही पूछ दे, तो याद रखिए चीज़ों को। आगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था, मैंने बताया कि आपको 1876 में, और इन्होंने जो सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था, इनका जो मुद्दा था वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, है ना, अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए ऐसा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1883 में, कब हुआ था 1883 में हुआ था, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित किया गया था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन वही है जिसकी स्थापना हुई थी 1876 में, 1876 में कांग्रेस के स्थापना वर्ष से 9 साल पहले, है ना, 85 उसका कांग्रेस का, 1876 इंडियन एसोसिएशन का, ठीक। और अगर 1885 की बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी 1885 में हुई, बम्बई प्रेसिडेंसी की भी 1885 में हुई, है ना। और अगर 76 आप याद रख रहे हो, 76 आप किसके लिए याद रख रहे हो, इंडियन एसोसिएशन के लिए, है ना, 76 आप रख रहे हो इंडियन एसोसिएशन के लिए, तो आप 76 याद रखो पूना सार्वजनिक सभा के लिए भी, है ना। 76 में क्या क्या, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, कांग्रेस की स्थापना 1885, मद्रास महाजनसभा 84 में, और बम्बई प्रेसिडेंसी 85 में। 85 में कौन कौन, कांग्रेस और बम्बई प्रेसिडेंसी, और 76 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पूना, और मद्रास आपका 84 में जाएगा। ओके चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ, ये हुआ देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके एक साल बाद ही, यानी कि 1886 में, एक साल बाद ही इंडियन एसोसिएशन जो है ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन दोनों आपस में मर्ज हो गए 1886 में, स्थापना के एक साल बाद ही, ठीक, किसकी स्थापना के, कांग्रेस की स्थापना के एक साल बाद ही। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के कितने साल बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हुआ, तो 10 साल बाद, है ना, वो अपने, क्योंकि 1876 है उसका स्थापना वर्ष इंडियन एसोसिएशन का, तो वो अपने 10 साल बाद जो है वो मर्ज हुआ, ऐसे याद रखिएगा, 10 साल बाद कांग्रेस में मिल गया है इंडियन एसोसिएशन, है ना, 1876 में बना, 86 में मिल गया। अगला है आपका 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, देखिए क्या है, सूची है एक तरफ है आपका प्रतिपादक, सूची है प्रतिपादक, रहस्यमय उद्गम, रहस्यमय उद्गम, इसके प्रतिपादक हैं आपके कौन, ये हैं पट्टाभि सीतारमैया, सीतारमैया है ना, पट्टाभि सीतारमैया, बी ऑप्शन है आपका थियोसोफिस्टो की योजना, थियोसोफिस्टो की योजना थी एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित, है ना, एनी बेसेंट ने इसे इसका प्रतिपादन किया। अगला है आपका डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये जो है इसके प्रतिपादक हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, इनके बारे में मैंने पीछे एक बात बताई थी कि डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे, मैंने आज ही इसी लेक्चर में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, नहीं अगला है आपका सुरक्षा का पार्ट, सेफ्टी वैल्यू का सिद्धांत, सेफ्टी वैल्यू का सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय इसके प्रतिपादक थे, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे क्या है, रहस्यमय उद्गम, पट्टाभि सीतारमैया, थियोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट द्वारा, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डब्ल्यू सी बनर्जी, और सुरक्षा कवाट का सिद्धांत, सेफ्टी वैल्यू का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट 51 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, एक तरफ आपको पुस्तक दे रखे हैं, एक तरफ आपको लेखक दे रखा है, ठीक, एक तरफ आपको पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, तो आपको बता दें कि जो 1857 के लेखक हैं, 1857 नाम की जो बुक थी इसके लेखक हैं सीधा सीधा आपको एस एन सेन, एस एन सेन को याद रखिएगा, इन्होंने सीधा जो बुक का नाम लिखा था वो है इनका 1857, है ना, 1857 नाम की इन्होंने सीधा बुक लिख दी थी।
आगे बढ़ेंगे इंडिया टुडे, इंडिया टुडे के बारे में बात की जाए तो अर्पी दत्त लिखी इंडिया टुडे, अर्पी दत्त ने लिखी इंडिया टुडे। अगला है आपका हाउ इंडिया फॉर फॉर फ्रीडम, है ना, हाउ इंडिया फॉर 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 फाइट फॉर फ्रीडम, तो देखेंगे एनी बेसेंट ने लिखी, किसने लिखी, एनी बेसेंट ने। अगला है आपका पहला वाला आपका ऑप्शन जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी है पट्टाभि सीतारमैया ने, है ना, पट्टाभि सीतारमैया ने हिस्ट्री ऑफ नेशनल कांग्रेस लिखी। 52 क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये था आपका 52 नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोग कर रहे हैं टोटल 71 करने हैं, तो बने रहिए लास्ट तक, तभी मजा आएगा। 53 क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 53 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, किसने 2 बार की थी, ये की थी वेडरबर्न ने, अगर 3 बार बात की जाए तो दादाभाई नौरोजी आते हैं, ठीक है, 3 बार में दादाभाई नौरोजी आ जाते हैं, और 2 बार की बात की जाए तो वेडरबर्न ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के साथ, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है, ये कहा दादाभाई नौरोजी ने जो कि 3 बार अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई, मतलब ऐसा किसने किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे मतलब जुबानी वॉर किया, एक तरह की बात बोली और कहा कि यह एक बहुत ही जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका कोई अस्तित्व टाइप का नहीं है, तो इस तरह की जो बात कही थी ये कही थी डफरिन ने, है ना, डफरिन ने ऐसी बात कही थी। आगे क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, ये बात किसने कही, एलेगिन सेकेंड, है ना, एलेगिन सेकेंड ने ऐसा कहा था, द्वितीय एलेगिन द्वितीय ने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस के विरोधी कौन थे, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 नाम दे रखे हैं, पहला है आपका सैयद अहमद खां विरोधी थे, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है आपका बनारस के राजा शिव प्रसाद, बिल्कुल विरोधी थे, सी है हैदराबाद के नवाब, बिल्कुल विरोधी थे, डी है आपका दिनशा मानक जी पेटिट, तो ये भी इसके विरोधी थे, है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही विरोधी थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के साथ, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, जो उदारवादी लोग थे इनके कार्य करने की क्या तरीके थे, ये लोग प्रार्थना करते थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए अंग्रेजों से या फिर कहीं भी किसी भी तरह की प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, पत्र लिखते थे और विरोध करते थे, है ना, सिर्फ विरोध करते थे, मतलब मौन टाइप रह के विरोध करते थे, विरोध प्रकट करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी भिखमंगी राजनीति की संज्ञा, उदारवादियों की कार्य पद्धति को ये दी थी उग्रवादियों ने। अच्छा, आप लोगों को अभी हम उदारवादी या फिर नरमवादी पढ़ा रहे हैं, है ना, इसके बाद ही जो टॉपिक आएगा जस्ट बाद ये आएगा गर्म पंथी या फिर उग्रवादी, गर्म पंथी या फिर उग्रवादी, जो एक टाइम है 1885 से, मैंने चैप्टर स्टार्ट करते ही क्यों रिपीट किया 3 4 बार कि 1885 से लेकर, 1885 से लेके कहाँ तक मैंने बताया था, 1905 तक, 1885 से 1905 कांग्रेस की स्थापना से 1905 बंगाल का विभाजन, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक जो युग था ये नरमपंथी और उदारवादी लोगों का था, इन लोगों के तरीके क्या थे मांगने के, अपनी प्रार्थना करके, याचना करके, लोगों अधिक अंग्रेजों से अपने अधिकार मांगना, प्रार्थना करना, इस तरह के काम करके था,
तो जो उग्रवादी थे, यानी कि जो इनके बाद आए, इनके बाद कौन आया, इनके बाद लोग आए गर्मपंथी और उग्रवादी लोग, गर्मपंथी और उग्रवादी चरण कहा जाता है उसे। उसका क्या काल था, उसका था, इसका था 1885 से 1905, उसका है आपका 1905 से 1917, 1905 से 1917। तो जो उग्रवादी लोग थे, है ना, उग्रवादी लोग थे, इन्होंने इन लोगों को, यानी कि पुराने उस टाइम, मतलब पुराने हो चुके थे तब तक जब वो लोग आए, तो ये पूरे पीछे निकल चुके थे, तो इसको कहा कि भिखमंगी राजनीति करते हैं ये लोग, है ना, भिखमंगी राजनीति करते हैं, मतलब कि भीख मांगते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थना दया याचना टाइप कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की, तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग की थी। ठीक, 1904 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले मांग की थी। आगे है सुशासन की बात जो की गई, वो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, उदारवादी जो थे इनका सबसे प्रमुख योगदान क्या था, तो अगर इनके योगदान की बात की जाए, तो इनका प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो इनके जो तरीके थे, प्रार्थना करके, याचना और विरोध करके, तो इस तरीके से इन्होंने जनता का अपनी ओर ध्यान खींचा, उस ओर ध्यान खींचा जो कि ब्रिटिश जो शोषण कर रहे थे उनकी तरफ ध्यान खींचा। आगे है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है, ये बात किसने कही, तो ये बात कही थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज में हुए फायदे का ज्ञान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिस्तानी कब्जे में रखा जाएगा। एक अंग्रेज ने ही कहा, अंग्रेजों ने ही कहा ऐसा कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में, यानी हमेशा जो है वो कब्जे में ही रखा जाएगा, तो ये कहा था एल्गिन ने, एल्गिन ने ऐसा कहा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले, है ना। उदारवादियों के संबंध में किसने कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले, तो ये किसने कहा, ये कहा लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जो थे, ये मैंने जैसा कि बताया 1905 से क्या स्टार्ट हुआ, गर्मपंथी और उग्रवादी चरण, तो ये उग्रवादी चरण के ही सदस्य थे, उग्रवादी चरण के नेता थे। इन्होंने कहा कि जो 20 साल नरमपंथी लोगों ने काम किया वो बस उन्होंने कुछ नहीं किया, जो आंदोलन चलाया उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला। अगला है क्वेश्चन 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, किस उदारवादी के संबंध में कहा था, किस उग्रवादी नेता ने, यानी उग्रवादी नेता ने कहा था, उग्रवादी नेता आए थे 1905 से 1917 के बीच और इन्होंने उदारवादियों के बारे में क्या कहा कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह के टरटरा के चुप होने लगे, मतलब विरोध करके फिर शांत बैठ जाते हैं, तो हमें अपने प्रयासों में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, 1987 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया, 1987 में बाल गंगाधर तिलक की बात, 1997 में, 1997 में है ना, 1997 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्नलिखित में से किसने नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, यानी कि ये एक तरह से श्रृंखला में उसकी बुराई की गई, अरविंद घोष द्वारा की गई, है ना, अरविंद घोष द्वारा न्यू लैप्स फॉर ओल्ड
शीर्षक के लेखों में इसकी बुराइयां की गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, मद्रास महाजनसभा की स्थापना कब हुई? मद्रास, तो मैंने बताया था आपको मद्रास के बारे में, क्या मद्रास के बारे में, 1884। देखिए आया क्वेश्चन बीपीएससी 2010 में, है ना, मद्रास महाजनसभा की स्थापना 1884 में। मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन नंबर 45 में, बैक करके देख लीजिए चाहे। ठीक, चलिए 69 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ये की गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जिस तरह की का प्रशासन लॉर्ड कर्जन चला रहे हैं इंडिया में, वैसा ही औरंगजेब ने चलाया था, वैसा ही औरंगजेब ने भी शासन किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से निम्नलिखित बातें किसने कही? तो ये कही थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने क्या कहा? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, 71 क्वेश्चन है आपका। क्या है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के बाद राष्ट्रवाद के बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? मैंने अभी ये क्वेश्चन आया था, पीछे क्वेश्चन आया था कि सिर्फ एक छोटे से समुदाय का की ही ये पार्टी है ना। मैंने बताया था उसमें कि डफरिन, है ना, डफरिन डफरिन ने ये बातें कही थी कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये एक सूक्ष्म, बहुत ही छोटे या बहुत ही कम लोगों के ग्रुप का हिस्सा है, और बहुत ही छोटे लोगों का मतलब नेतृत्व करती है, और ये नष्ट हो जाएगी कुछ ही टाइम में, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये थे आपके 71 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के आपके, क्योंकि नरमपंथी उदारवादी चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे बात इन बातों को याद रखिए। 1885 1905 तक था, और इसके आसपास जो भी चीज़ें बनी हैं, पूना जो भी सब है, मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी मैंने बताया आपको 1885, है ना, तो इन चीज़ों को याद रखिए। मद्रास का 84 और बम्बई 85 और स्थापना 85, ठीक है। एक साल बाद ही इसमें मर्ज हो गई थी, है ना, जो बना था इंडियन एसोसिएशन 1876 में, एक साल बाद ही 1800 कांग्रेस के बनने के एक साल बाद 1886 में मर्ज हो गए थे आपस में। तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखिए, बने रहिए हमारे साथ। ये सीरीज़ कैसी लगी है दोस्तों आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से आप जरूर करिए, यहाँ से नहीं मतलब बाहर से, आप जहाँ पे चैनल का नाम आता है बगल में आपको सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, गर्मपंथी और उग्रवादी चरण के शुरू में मिलेंगे अब। ठीक, तो फिर ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।